हेलो, वेलकम टू आर सिनेप्लेक्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसने कराया करीना और शाहिद का ब्रेकअप, करीना शाहिद के रिश्ते को किसकी लगी नजर, कौन था जिसकी आंखों में खटक रहे थे शाहिद कपूर। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बेशक करीना और शाहिद के ब्रेकअप को एक लंबा वक्त हो गया हो, दोनों अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो और दोनों खुश भी हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी इनके फैंस के दिल में ये सवाल उठता है कि आखिर इस परफेक्ट दिखने वाले कपल का ब्रेकअप हुआ तो हुआ क्यों? इनके प्यार के बीच में वो कौन था जो विलन बन गया? करीना के पापा रणधीर कपूर तो शाहिद को बहुत पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन्हें दामाद बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो फिर वो कौन सा शख्स था जिसकी वजह से इनके रिश्ते में दरार आ गई? तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ ना प्यार, ना हमदर्दी, ना रहे। इंडस्ट्री में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, मगर आज इस राज से हम पर्दा उठाएंगे। हम आपको इस जोड़ी के ब्रेकअप की असली कहानी बताएंगे। तो अगर आप करीना और शाहिद के फैन हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि करीना और शाहिद की लव स्टोरी एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें लव, रोमांस और बहुत सारे इमोशंस के साथ साथ फैमिली ड्रामा भी मौजूद है। जी हाँ, फैमिली ड्रामा। आपको वीडियो में पता चलेगा कि हम इसे फैमिली ड्रामा क्यों कह रहे हैं। करीना और शाहिद की लव स्टोरी ये 2004 में शुरू हुई थी और 2007 आते आते स्टोरी पर फुल स्टॉप लग गया। हद से ज्यादा तुझे प्यार करने लगा। ब्रेकअप के लिए आखिरी कॉल शाहिद कपूर की तरफ से किया गया। कहते तो ये हैं कि करीना ने अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। निकाल दे उसे अपने दिल और दिमाग से। यही करने के लिए तो मैं मुंबई जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ रही तो वो मेरा पीछा करेगा और मैं। एक समय ऐसा आया था जब करीना और शाहिद एक दूसरे के प्यार में डूबे थे। दोनों ने अपनी आदतों को भी एक दूसरे के लिए बदल लिया था। करीना शाहिद के लिए वेजिटेरियन बन गई थी, तो वहीं शाहिद ने अपनी जिंदगी में करीना को खास बना लिया था। उनकी हर ख्वाहिश को शाहिद पूरा करने लग गए और अपनी लाइफ को उन्होंने करीना के लिए पूरी तरह से बदल दिया। इनका प्यार पर्सनल लेवल पर ही नहीं, बल्कि उसने प्रोफेशनल लाइफ को भी बदल दिया। उस दौरान करीना हर डायरेक्टर से शाहिद को ही अपने ऑपोजिट काम करने के लिए डिमांड करती थी और यही बात करीना की माँ बबीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोनों ने साथ में 36 चाइना टाउन, चुपके चुपके, जब वी मेट और मिलेंगे मिलेंगे में साथ काम किया, जहाँ दोनों को निर्देशक और निर्माता फिल्मों में खूब अटेंशन दे रहे थे। तो वहीं पर्सनल लाइफ में बहन करिश्मा और माँ बबीता करीना के इस रिश्ते से नाराज थी। इन दोनों को ही बेबो और शाहिद का रिश्ता बराबरी का नहीं लगता था, मगर सवाल ये था कि ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए शाहिद उनके परिवार के स्टेटस से कहीं से भी मैच नहीं करते थे। दोनों ही शाहिद को अपनी बराबरी का समझती ही नहीं थी। हालांकि खुद शाहिद एक बॉलीवुड की फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर इसके बावजूद भी बहन करिश्मा को शाहिद करीना के लायक नहीं लगते थे। दरअसल उस दौरान शाहिद की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इसीलिए करिश्मा और बबीता करीना और शाहिद के रिलेशन को लेकर नाराज थे। कई बार ऐसा देखने को मिला कि करीना की शूटिंग पर उनकी माँ और उनकी सिस्टर उनके साथ जाया करती थी, ताकि वो किसी भी तरीके से शाहिद और करीना पे अपनी नजरें बना सके। धीरे धीरे अपनी मम्मी और बहन करिश्मा की बातों का असर करीना पे होने लगा था और उनका रवैया शाहिद को लेकर अब बदलने लगा था। हालांकि पापा रणधीर कपूर को शाहिद बहुत पसंद थे और वो इस रिश्ते से काफी खुश थे। वो चाहते थे कि शाहिद और करीना शादी कर लें, मगर करीना अपनी मम्मी और बहन करिश्मा को ऐसा करके दुखी नहीं करना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने शाहिद से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि इंडस्ट्री में इस बात के रूमर्स थे कि इस बात पर रणधीर कपूर की अपनी वाइफ बबीता और बेटी करिश्मा से कई बार बहस हुई, मगर तब तक करीना और शाहिद की दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उनका रिश्ता आखिरी सांस ले रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं पागल हो गया हूँ। उस वक्त करीना सैफ अली के साथ फिल्म टशन में काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी और वहीं करीना का दिल सैफ पर आ गया, तो सैफ भी करीना के प्यार में धीरे धीरे गिरफ्तार हो चुके थे। शुक्र अल्लाह वला हम्द अल्लाह। वहीं दूसरी तरफ जब वी मेट के सेट पर करीना और शाहिद के बीच खुलकर अनबन होने लगी थी। करीना और शाहिद के रिश्ते के टूटने की खबर उस वक्त पक्की हो गई, जब साल 2007 में लैक्मे फैशन वीक के दौरान करीना सैफ के साथ नजर आई और इस तरह करीना को उन्हीं के अपनों ने
माँ बबीता और बहन करिश्मा ने शाहिद से दूर कर दिया। हालांकि आज ये दोनों ही स्टार्स अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मगर इन बातों में एक ये भी बात सच है कि इन दोनों के रिश्तों को इन्हीं के अपनों की नजर लगी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और तब तक टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी।